हेलो एवरीवन, दिस इज बिजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। गाइस, एक सवाल मेरे पास हमेशा आता है कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज बता दो, गवर्नमेंट कॉलेज बता दो। जिन बच्चों का भी परसेंटाइल लो होता है वो कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बताओ। ठीक है, जिनकी परसेंटाइल अच्छी है उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो ऑब्वियसली IIT NIT IIIT में जाएंगे या अच्छे GFTI में जाएंगे, जहां से उनका अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा कॉलेज लाइफ मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं। नो डाउट IIT NIT IIIT और कुछ अच्छे GFTI टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं और उनका मुकाबला किसी हम प्राइवेट कॉलेज से, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं कर सकते। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में और समाज के उस सोच के बारे में, गार्जियन और पेरेंट्स के उस सोच के बारे में जो बच्चों को ये बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप हाल देखिएगा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का, बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार गवर्नमेंट को जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT NIT IIIT को छोड़ दे, तो ये सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं होता है। बच्चे 10,000-15,000 की जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। वैसे कॉलेज में BTech करने से अच्छा है कि आप जाके कहीं से BSc कर लीजिए। ठीक है, BSc कर लीजिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। नहीं तो 4 साल के BTech करने के बाद भी आपको SSC, रेलवे, बैंक पी और ग्रुप डी की तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना आप अभी से कीजिए। तो ये जो आपके दिमाग में एक गलत चीज बैठी हुई है, उसी चीज को खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। कि आप ये मत देखिए कि कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, चाहे कॉलेज 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 होता है। ठीक है, एक सेट मत बनाइए कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, एक मोहर मत लगाइए, ठप्पा मत लगाइए। GFTI भी सारे अच्छे नहीं है, बहुत सारे ऐसे GFTI है जहां पे प्लेसमेंट जीरो है, नल है। ठीक है, बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं है, वहां से पढ़ के क्या कीजिएगा। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगता है। अरे फीस आपका 2 लाख लग रहा है, किसी और कॉलेज में आपका 5 लाख लग रहा है, और 2 लाख में पढ़ने के बाद, 4 साल बर्बाद करने के बाद आपका 10,000 का भी जॉब नहीं लग रहा है, 5 लाख में पढ़ने के बाद आपका 7 लाख का ही जॉब लग जाता है, तो कौन सा अच्छा है? आप ये सोचोगे ना, 4 साल आप टाइम दे रहे हो बीटेक में, डिग्री क्या करोगे यार? डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता आपकी डिग्री को, डिग्री के लिए बीटेक करना है ना। अगर ये सोच आपके दिमाग में है तो आप अपने आप को, अपने गार्जियन को एक धोखा दे रहे हो, वो इंजीनियर का टैग लगाने का एक धोखा दे रहे हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो IIT NIT से या IIIT से, अच्छे कॉलेज से बीटेक करते हैं, वो कभी नाम क्या कि इंजीनियर नहीं लगाते। मैंने कभी नहीं लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें लगाने से कोई दिक्कत है और हमें प्राउड नहीं है इंजीनियर होने का, लेकिन हम नहीं लगाते हैं, मतलब इतना कुछ दिखाने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर बनना आज के जमाने में कॉमन बात हो गई है, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना नाम ऐसे कॉलेज से पढ़िए जहां से प्लेसमेंट अच्छा हो। ठीक है, अच्छी जॉब आपकी लगे, आप अच्छे एक कंपनी में जॉब करें। देखिए, इंडिया में क्या है, अगर आपको किसी IT टॉप लेवल के IT कंपनी में जॉब करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना है, या मैकेनिकल के किसी टॉप लेवल के कंपनी में जॉब करना है, इंजीनियरिंग में टॉप लेवल का जॉब करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, बीटेक करना। बीटेक करेंगे IIT NIT IIIT से, तभी आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे कंपनी में आपकी जॉब लगेगी, टॉप लेवल के कंपनी में आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली टारगेट आपका जॉब है, तो जॉब के बारे में सोचिए, जॉब के बारे में सोचिए, प्लेसमेंट के बारे में सोचिए, और जिस गवर्नमेंट कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है उस गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ इस बेसिस पे कि ये कॉलेज गवर्नमेंट है इसीलिए मैं यहां पे एडमिशन ले रहा हूं, मत लीजिए। ठीक है, बाद में पछताइएगा। ठीक है, तो एडमिशन के समय सावधान रहिएगा। मैं लगातार ऐसी वीडियोस देख रहा हूं जहां पे कहा जा रहा है कि 3 लाख रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 4 लाख रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 40 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 40% टाइल, 50% टाइल पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा, उस कॉलेज से बीटेक करके करूंगा क्या मैं, जब मेरा जॉब ही नहीं लगेगा? इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूंगा। तो इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, ऐसे चक्करों में ना पड़िए। ठीक है, हालांकि मैंने भी ये वीडियो बना रखा है, कुछ बच्चे आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने ही बना रखा है कि 3 लाख रैंक पे NIT मिलता है लेकिन IIIT मिलता है। कभी ये नहीं कहा है कि 3 लाख रैंक पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ, मैं इस चीज का सपोर्ट मैंने कभी नहीं किया है, और वो भी SC कैटेगरी के बच्चों के लिए मैंने बना रखा है। अगर आपकी SC कैटेगरी ST कैटेगरी है तो 2 लाख रैंक पर भी आपको NIT मिलता है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो 70,000 से ऊपर, 60,000 से ऊपर
नहीं मिलता है एनआईटी जल्दी, ठीक है। और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 80-85 तक भी एनआईटी मिलता है, उसमें गर्ल्स कोटा है तो अलग केस है, होम स्टेट कोटा है तो अलग केस है। हम इसकी बात में नहीं कर रहा हूं, मेरा सिंपल सा कंसर्न है कि आप आंख बंद करके, ठीक है, बेवकूफों की तरह गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे पागल मत बनिए, गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे पागल मत बनिए। कॉलेज कॉलेज होता है, ठीक है, आप किसी सेट को कंपेयर मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए कि सारे आईआईटी अच्छे होते हैं, सारे आईआईटी सारे एनआईटीज अच्छे होते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। न्यू आईआईटीज आर नॉट बेटर देन ओल्ड एनआईटीज, टॉप एनआईटीज, राइट। तो उसी तरह से सारे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं होते, सारे खराब भी नहीं होते। आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसको चेक कीजिए कि ये कॉलेज कैसा है, इसका प्लेसमेंट कैसा है, इसके टीचर्स कैसे हैं, इसका अलुमनाई नेटवर्क कैसा है, इसके कैंपस में फैसिलिटीज कितनी है, कौन कौन सी कंपनीज आती है, कितना एवरेज पैकेज है, कितना हाईएस्ट पैकेज है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, और तब एडमिशन लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी दिया गया वहां से, करियर कैप्सूल की टीम को कांटेक्ट करके काउंसलिंग के बारे में कोई भी हेल्प ले सकते हैं। चलते हैं, बाय बाय।